मैं शिवानी मिश्रा, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिज़ाइनपुर में। तो आज मैं आपको फ्लावर्स की डिज़ाइन दिखाऊंगी। तो मैं देख लीजिए फ्लावर्स बनाए हैं। अब इसको मैंने कैसे बनाया मैं आपको फुल वीडियोस दिखाने वाली हूँ, तो आप वीडियोस में मेरे साथ देखते रहिए। तो मैंने देखिए स्क्वायर साइज की जो कपड़े को लिया है, इसको मैंने एक साइड से किस तरीके से फोल्ड किया है आपको वीडियो में दिख रहा होगा। ये मैंने बना लिया एक कली। अब इसको हम धागे से बांध लेते हैं साइड से। अच्छे तरीके से बांध लीजिए कि देखिए एक मैंने बांध लिया। इस तरीके से हम दूसरे को भी बांध लेते हैं। ये देखिए एक साइड से मैं पकड़ रही हूँ कॉर्नर के, फिर इसको हम हाथों की सहायता से फोल्ड करते हुए साइड से बिल्कुल, और इसको हम इस तरीके से बना लेंगे। अब इसको हम बांध लेंगे साइड से। मैंने कम्प्लीटली इसको भी बना दिया है। इस तरीके से मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ, जिससे आपको ये समझ में आ जाए बिल्कुल। देख लीजिए इसको मैंने कैसे बनाया, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, सेम ऐसे आप भी बना लीजिएगा। मैंने कम्प्लीटली देखिए फ्लावर्स को बना दिया है। इस तरीके से आप भी बना लीजिएगा सब। तो मैंने 6 जो है बनाए हैं। अब ऐसे ही हम इसको स्टिच करेंगे। साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट करके निकाल देते हैं। तो अच्छे तरीके से पूरा हम फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। तो मैं कहाँ से कट करके निकाल रही हूँ आप वीडियो में देख रहे हैं, सेम इसी जगह से आपको भी ये कट करके निकालना है। मैंने सब कट करके निकाल दिए, देख लीजिए। अब इसको मुझे स्टिच करना है। मैं नीडल्स ले लेती हूँ और इसको हम नीडल्स में बराबर करते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से डाल देते हैं। ये देखिए मैंने नीडल्स में सारे फ्लावर्स की कलियों को डाल दिया। अब इसको बराबर कर लेते हैं कॉर्नर में, बिल्कुल एक दूसरे के बराबर करते हैं, पूरा कॉर्नर में इसको लगा देते हैं। अब जहाँ से हमने गांठ लगाई थी धागे में, वहाँ से हम नीडल्स को बीच में से डाल के निकाल लेंगे। देख लीजिए इसको मैंने गांठ को बना दिया। अब इसे मुझे स्टिच करना है। तो मैं कैसे स्टिच करूँगी आप वीडियो में देखते रहिए। पहले हम इसको बराबर कर देते हैं, तो सिलाई लगा के पहले हम लॉक कर लेते हैं साइड साइड से पूरा। इसकी मैंने देखी स्टिचिंग बिल्कुल कर दी है। हमारा फ्लावर राउंड में मुझे करना है, तो कैसे राउंड में आएगा मैं अब आपको वो स्टिचिंग दिखाती हूँ। हम इसको नीचे के साइड से ले लेंगे, फ्लावर्स के नीचे के साइड से। पहले हम आगे के साइड से इसके हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमारा जो है जो पीछे के साइड से हमने मिला के स्टिच किया वो दब जाएगा कपड़ा, तो हमारा फ्लावर्स बिल्कुल राउंड में आ जाएगा। अब हम कलियों को बिल्कुल मिलाते हुए इस तरीके से लॉक करेंगे एक दूसरे के साथ में, जो ऊपर नीचे हमारी कलियां जा रही बिल्कुल बराबर में आ जाएंगी। अब वीडियो में बिल्कुल क्लियर देख रहे होंगे मैं कैसे बता रही हूँ। वैसे आप भी बना लीजिएगा इस फ्लावर्स को, ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हैं फ्लावर्स।
देखिए मैंने साइड से बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टिच कर दिया है इसको। अब इसमें मुझे बटन लगाना है बीच में, यहाँ से हम पहले सिलाई कर लेते हैं, इसको बिल्कुल बराबर कर देंगे। अब बीच में आपको जो बटन लगानी है वो बटन लगा सकते हैं, तो मैंने ये बटन लिया है, इसको हम अच्छे तरीके से इस यहाँ से बीच से स्टिच कर लेते हैं। ये देख लीजिए मैंने बटन्स लगा लिया है अच्छे तरीके से, और मेरी बटन बिल्कुल अच्छे से लग चुकी है। मेरी फ्लावर डिज़ाइन बिल्कुल देखिए कंप्लीट हो चुकी है। अगर मेरी ये फ्लावर्स की डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी डिज़ाइन कैसी लगी। और अगर आपने मेरे इस चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर इनेबल कर दीजिए इस लेटेस्ट डिज़ाइन देखने के लिए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।